सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात है, लेकिन प्रयागराज में ट्रैफिक जाम की एक अनोखी वजह सामने आई है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि प्रयागराज में सड़कों पर वाहनों की भीड़ के बजाय भैंसों और गायों की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। शहर में इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि सड़क पर गाड़ियों के बजाय भैंसों और गायों का झुंड देखने को मिलता है। प्रयागराज के लगभग 10 मोहल्ले कटरा, राजापुर, सलोरी, छोटा बघाड़ा, म्योराबाद, तेलियरगंज और शुक्ला मार्केट में भैंसों का खुला डेरा देखने को मिलता है। इन सड़कों पर भैंसें केवल घूमती ही नहीं बल्कि उनका गोबर भी बिखरा रहता है। ये सुनकर भले ही आपको हंसी आ सकती है, लेकिन प्रयागराज में 5 बजे के बाद सैलरी में स्थित ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के मुख्य रोड पर, छोटा बघाड़ा क्रॉसिंग पर, कमला नेहरू अस्पताल के सामने और इलाका कटरा में आवारा पशु और गायें सड़क पर जाम लगा देते हैं। कभी कभी तो इन भैंसों और गायों की वजह से घंटों लंबा जाम लग जाता है। ये सचमुच एक अनोखे तरह का जाम है। आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या प्रशासन को इस अजीब समस्या का पता नहीं है? क्या वो पशुओं इतनी ज्यादा संख्या से परेशान नहीं है? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल प्रयागराज नगर निगम इस समस्या को हल करने की प्लान बना रहा है। महाकुंभ के पहले नगर निगम ने पशुओं को शहर से बाहर निकालने की योजना बनाई है। इसके लिए शहरों के बाहर एक कैटल कॉलोनी स्थापित करने की बात की जा रही है। लोकल 18 से बातचीत में पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमृतराज ने बताया कि शासन की गाइडलाइन मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे ये देखना बाकी है। ये तो साफ है कि प्रयागराज की सड़कों पर जाम की समस्या केवल वाहनों की वजह से नहीं बल्कि इन सड़कों पर घूमते भैंसों और गायों की वजह से भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस अजीब स्थिति को कैसे संभालता है।